हाँ जी, तो कैसे किया जाए अब बताओ आप। अब यहीं बैठना पड़ेगा। अब कोई सीधी बारिश आ रही है, वैसे तो अंदर ना पानी आए किसी तरीके से। अगर पानी अंदर नहीं आएगा, साइड साइड में होता रहा, तो फिर तो मैं इसको खोल के आके जाने के लिए ना पास चाहिए होता है, जो सामने आपने देखा कि चेक पोस्ट है। तो मेरे को यहीं पे ही रोक के जाना होगा अभी, तो मैंने साइड में लगा दिया यहीं पे। और ये जा रही है फोर्स की गामा। नो नो, लाइव चल रहा है तू? नो नो, बेचारे तो भौंक भी नहीं जाता। लक्के हो चुका जी रेडी मेरे लिए, देखो कितना अच्छे से। ये देखो आप, लोकल फूड राइस, ऊपर देसी घी, पूरा बढ़िया डिनर लगा है अभी। डिनर वगैरह मैं, गुड मॉर्निंग। तो आप सोच रहे होगे धूप तो इतनी ज़्यादा, और ये गुड मॉर्निंग बोल रहा है भाई। यहाँ पे धूप चढ़ जाती है 5, 5:30 बजे, ठीक है? तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा वॉक के लिए आ गया। और दूसरी बात, मुझे 5G नहीं मिल रहा है यहाँ पे यार। तो 5G के बिना क्या है कि अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे मैं सीधा बात ही करने लग गया आपसे, कुछ इंट्रो तो मैंने दी नहीं। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपको मैं बता दूं कि मैं ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहा हूँ। तो अभी हूँ मैं लिंगदम में, जो कि सिक्किम में है, गैंगटोक से अबाउट 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। एक ऑर्बिट प्लेस है और काफ़ी अच्छा प्लेस है भाई। और अगर कोई पीसफुली यहाँ पे रहना चाहे, थोड़ा मतलब शहर की भीड़ से दूर रहना चाहता है, तो ये बहुत अच्छा प्लेस है लिंगडम। तो यहाँ को आपको मतलब ज़रूर आना चाहिए। मैं 3-4 दिन अभी इधर ही रुकने वाला हूँ। क्या है कि यहाँ पे अभी वाईफाई वगैरह कट चुका है, उनके पास है नहीं है, उसकी मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। और सुबह सुबह मैं आया था नीचे कि शायद कहीं 5G मिल जाए। एक दिन तो आ गया था, अभी नहीं मुझे मिल रहा। 5G मिल गया तो अपलोड हो जाएगा, नहीं तो वो लोग अपलोड होने में बहुत मुश्किल हो जाती है, ये बहुत दिक्कत आती है। और देखो भी कुछ ऐसा नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखें, साथ में इधर नदी चल रही है। और चलेंगे आज नीचे भी जाएंगे, ये नदी वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। और देखो अभी निकलते हैं जी थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। ये खड़ी है अपनी कैंपरमैन, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि उस टाइम तो मैं बाइक के साथ गया हुआ था उनकी गाड़ी पे। तो आज तो वो ड्यूटी पे चले गए हैं, तो अभी चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं, और आपको मैं यहाँ का लोकल विलेज वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ। देखो बताया गया कि रिवर के साइड में हम पहुँच सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा वहाँ से व्यू आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि पूरा दिन आज वहाँ पे जंगल में आराम से पीसफुली बिताया जाए भाई। काफ़ी अच्छा है भाई, सिक्किम के लोग और यहाँ का वातावरण काफ़ी बढ़िया है। कल तो जैसे पूरा बारिश होती रही है ना, तो आज थोड़ा वेदर भी ठीक है, तो बढ़िया से बैठ पाएंगे रिवर के पास में। देखते हैं कैसा मिलेगा, शायद वाटरफॉल मिले, कोई जहाँ भी मेरे को अच्छी लोकेशन मिली वहाँ पे मैं बैठूँगा और आपको भी दिखाऊँगा पूरा। जैसे कि लिंगदम, लिंगदम जैसे मैंने आपको बार बार बता ही रहा हूँ, ये लिंगदम है। और ये आ गया भाई, नदी का पुल आ चुका है कोई, ये देखो भाई, ये रहा यहाँ से अच्छा व्यू है भाई। देखो काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ से भी, बट यहाँ पे गाड़ी लगाने का कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा कि जहाँ पे मैं लगा के बैठ सकूँ। तो थोड़ा आगे तक चल के आते हैं, देखते हैं कैसा कुछ मिलेगा। तो नीचे आके ना यहाँ पे भी अपने को मतलब रिजोर्ट वगैरह और होम स्टे यहाँ पे भी मिल जाएंगे, थोड़ा और नीचे आके मेन रोड से, जैसे मैं अभी आया हूँ थोड़ा मैं नीचे है। मुझे पता नहीं था कि इधर भी विलेज होगा या गाँव होगा ना, बस मैं बिल्कुल अनप्लान सा चल रहा हूँ। बट यहाँ पे भी देखिए रिजोर्ट वगैरह बने हुए हैं, और ये छोटा सा मतलब विलेज है, इसका नाम मैं भूल गया। लिंगदम से अगर आप किसी से भी पूछोगे कि रिवर साइड जाना है, तो वहाँ से आपको ये इजीली दिख जाएगा भाई। तो आगे मेरे को भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ पे है, कौन सी साइड जाना है। वो देखो आगे एक फ्लाईओवर सा मतलब पुल, सॉरी ब्रिज आया है, तो वो देखते हैं कैसा। वो नीचे देखो भाई कितना सही घर बना हुआ है, वो देखो ना, बिल्कुल अकेला सा ही घर बना हुआ है भाई नदी के किनारे। कौन कौन है कि कोई ऐसे रह सकता है आप में से, कोई कोई ऐसा होगा, अगर और कोई जगह ना मिली तो यहाँ पे लगा के आराम से मैं बैठूँगा। ये वाली जगह अच्छी है ना, बारिश आई थी एक बार, फ्रंट वाले टायर आगे ऊपर चढ़ा के देख लेंगे गाड़ी नीचे बैठे ना, अगर बैठने लगी फिर नहीं।
लगाएंगे वहाँ पे, अगर सही रहा तो फिर वहाँ पे लगा के आराम से बैठे। ये देखो भाई ब्रिज आ गया इधर, यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ भाई, इधर इस साइड भी लगा सकता हूँ, काफ़ी ऑप्शन है। थोड़ा उतर के देखते हैं भाई, थोड़ा व्यू वगैरह देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यू है। वो नीचे एक घर बना हुआ है, कहो तो वहाँ पर भी जाके आऊँ आपको दिखाऊँ। और हवा काफ़ी तेज चल रही है यहाँ पे, ये देखो भाई यहाँ पे अगर कुछ भी आप फेंकते हो तो फाइन 5,000 रुपये है। देखो कुछ ऐसा नज़ारा, कुछ ऐसा व्यू हमें दिखने वाला है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगा ली जाए कैमरामैन, तो कितना अच्छा व्यू आएगा यहाँ से। देखो आप दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई वो किसी के मकान बने हुए हैं ना, कितने बढ़िया वो मकान बने हुए हैं। वहाँ भी जाके आएंगे, उनसे बातचीत करके आएंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे मैं पैदल ही चला जाऊँगा, और कैमरामैन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगा ली जाए, है ना। ठीक है, यहाँ पे साफ़ सुथरा है। तो मैं अभी बना रहा हूँ भाई पोहा, ठीक है जल्दी बन जाएगा। मैंने यहाँ पे लोकेशन पे गाड़ी को लगा लिया, आपको मैं लोकेशन भी दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं लगाना चाहता था ऐसे कि मैं फूड भी बनाऊँ और आपके पीछे भी सब कुछ दिखता रहे, लेकिन पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा गाड़ी रोकने के लिए जगह थोड़ी सी कम है, ज़्यादा जगह है नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी। ये देखो कुछ ऐसा व्यू है भाई, कुछ ऐसा नज़ारा है। मैं अभी बस जल्दी से जल्दी पोहा बना लूँ, बना के फिर आराम से बैठ के उधर आपको पीछे व्यू भी अच्छा दिखेगा और हम बातें भी करेंगे। तो भाई कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहा है आपको, ये सिक्किम पसंद आया है नहीं है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा भाई, और लिंगथम तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट ये भी बहुत सही लगा। जैसे कि अब कल लास्ट व्लॉग में आपने देख के, दो व्लॉग जो देखे हैं, जो सिल्क रोड था और दूसरा जो बाबा जी का मंदिर था, है ना, वो भी मतलब बहुत तो सही एक्सपीरियंस जा रहा है। और मैं देखता हूँ अभी कि कितने दिन उधर यहाँ पे स्टे करता हूँ। जैसे मैं रुक गया था मैं उधर होम स्टे के अंदर, क्योंकि अगर वहीं पे पार्क करके वहीं वैन में सोना तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे सो सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, तो मैं वहीं पे ही सो गया था। जिसको अगर वही व्लॉग अच्छे लगते हैं ना, मेरा ऐसे कैंपिंग करना और ट्रैवल करना पूरा इंडिया में, तो आपको मैं हर व्लॉग में जैसे कि आपको बोल ही रहा हूँ, तो भाई शेयर कर दिया करो। अभी इसको यहाँ पर रोको और पहले शेयर करो इसको अच्छे से, सभी को कर दो। मैं उतनी देर चुप कर जाऊँ, चलो मैं बोलता रहूँगा, लेकिन ना इसको शेयर कर दिया करो स्टेटस वगैरह लगा के। मैं हर व्लॉग में आपको बोल रहा हूँ और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप सिक्किम का प्लान करते हो तो मेरे को लगता है आपके पास कम से कम 6-7 दिन तो होना ही चाहिए, अगर आपने अच्छे से बढ़िया से घूमना है तो इसको, क्योंकि आप सबसे पहले गैंगटोक जाओगे, 2 दिन तो गैंगटोक में घूमोगे, फिर आप गैंगटोक से निकलना इधर के लिए। मैं आपको पूरे रूट प्लान जैसे बताता रहता हूँ, लिंगथम के लिए, लिंगथम के लिए निकलना आप गैंगटोक से, और रास्ते में नथुला पास मंदिर वो देखते हुए आप सीधा लिंगथम पहुँच जाओगे। फिर आप 2-3 दिन यहाँ पे रुकना, इसके बाद अगर आप डायरेक्ट वापस जाना चाहते हो, अगर हरियाणा पंजाब से आए हो तो सीधा आप सिलीगुड़ी, अगर आप बाय प्लेन आए हो या बाय रोड आए हो तो आप वापस भी जा सकते हो, इस तरीके से कवर कर सकते हो आप। क्योंकि हर कोई मेरे तरह तो होगा नहीं कि हाँ भी 1.5-2 महीने के लिए या 3-4 महीने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट पूरा घूमोगे, तो जिसको जितनी छुट्टी मिलती है ना 4-5 दिन, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो भाई। तो ये पोहा बन गया, बस इतना ही टाइम लगना था इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी मैं चेयर वगैरह निकाल लेता हूँ, निकाल के तो फिर उधर बैठते हैं आराम से अच्छे व्यू के साथ, और पानी की लहरों की आवाज़ के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। भाई बारिश आनी शुरू हो गई यार, अब सीधी वो भी बिल्कुल ऐसे, अब फिर मुश्किल हो जाएगा काम। पूरी बारिश आ गई एकदम से, आ गई भाई, अब उठाना पड़ेगा सब कुछ, बाहर चेयर वगैरह कुछ नहीं लग पाएगी, बस अंदर ही बैठना पड़ेगा भाई सारा सेट। मैं अंदर रख दूं पानी को, एकदम से पूरी आ गई भाई बारिश, थोड़ी थोड़ी भी नहीं उतरी एकदम से, बस जस्ट पोहा ही बनने दिया। अभी मेरे को सब कुछ अंदर रखना होगा, दोबारा से संभाल दूं मैं सब कुछ भाई। ये तो काम हो गया खराब, मेरे को था बैठेंगे कुछ टाइम, चलो देखते हैं इसके नीचे थोड़ा टाइम बैठूंगा, है ना, अगर पॉसिबल रहा तो। इधर भी विंडो खुली है भाई, सब कुछ
एकदम से बहुत ही आ गया, ज्यादा वाला आ गया, ज्यादा वाला इतना नहीं आना चाहिए था यार। ओहो, अरे अरे वो भूल गया। ओ यार कैमरा मैंने वहीं पे रख रखा है, उस पे बारिश आ रही है क्या? अभी देखो आप कैसे बारिश हो रही है भाई। हो गया था ना काम खराब, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और इसको उठाया नहीं मैंने, अभी इसके नीचे कर दिया। अब देखो पूरी बारिश होने लगी। हाँ जी, तो कैसे किया जाए अब बताओ आप। अब यहीं बैठना पड़ेगा, अब कोई सीधी बारिश आ रही है वैसे तो अंदर ना पानी आए किसी तरीके से, अगर पानी अंदर नहीं आएगा साइड साइड में होता रहा तो फिर तो मैं इसको खोल के, अपने विंडो को खोल के यहाँ पे बैठ जाऊँगा और आप उधर देखो नज़ारे देखो। और इस तरह भाई हो रही है बारिश, ये देखो। बस ये है कि मैंने पोहा बना लिया, अगर वो भी ना बना होता तो फिर काम खराब हो जाना था। बारिश हटने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी, और अबाउट 1.5 से 2 घंटे हो मेरे को हो चुके हैं यहाँ पे वेट करते हुए कि शायद बारिश हट जाए, बट नहीं हट रही। और मैंने अपनी कैंपर वैन लगा रखी थी, थोड़ा मतलब ज़्यादा ओपीट आ रखा था मैं रोड से नीचे, और अभी मेरे को यहाँ पे कोई गाड़ी पे जा रहा था वो मिला, उससे मैंने पूछा ना कि यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड वगैरह ऐसा का कुछ सीन तो नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई 1 मिनट रुको मैं सीट बेल्ट लगा लूँ, नहीं तो ये टू टू करती रहेगी, थोड़ा सा होल्ड रखो, इसमें मैं कट नहीं लगाने वाला, आपको उसमें डिस्टर्बेंस होगी। तो उसने बोला भाई होती है ना बिल्कुल ऊपरी, मैंने देखा कि इससे ऊपर एक विलेज और है उसका मुझे नाम नहीं पता, तो वो कट ऑफ हो रखा है अभी लिंगदम से, तो वो बोले वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, तो क्योंकि कल भी बारिश हुई थी आज भी हो रही है ना, तो फिर मुझे था कि भाई देखो मैं कितना ऑफ बीट आके बैठा हुआ था, तो मुझे था कि ये ना हो कि मैं यहीं पे स्टक हो जाऊँ तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा भाई चलते हैं ना ऊपर ही चलता हूँ थोड़ा, तो ऐसे सेफ नहीं है यहाँ पे रुकना। तो ये देखो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कल जब ऊपर से आ रहे थे हम, कल या परसों अपने मंदिर हो के आए थे, जब जिग जग पॉइंट से जिसको वो बोलते हैं, कौन सा रूट यार मैं भूल जाता हूँ, एक तो कौन सा रूट बोलते हैं, सिल्क रोड, सिल्क रोड जब जाके आए थे तो रास्ते में हमें 2 घंटे वहाँ पे, जैसे कि आपने लास्ट लोगों को देखा होगा तो आपको पता होगा वहाँ स्टक हो गए थे बिल्कुल, तो ऐसा सीन हो जाता है अभी। तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ थोड़ा ऊपर जाके जो मेन रोड है वहीं पर जाके रुकूँ ना, नीचे ना रुकूँ, और बारिश आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे हो जा रही है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही, ये देखो। और मेरे पास ना कुछ बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ वो भी थोड़ा खरीद लिया जाए। देखो बारिश हट गई है और इवनिंग का टाइम हो चुका है, बिल्कुल शाम हो चुकी है, तो भाई सारा दिन बारिश होती रही आज भी, और मैं सोचता हूँ कि शायद दोपहर में बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो आगे से क्या करेंगे कि थोड़ा ना जल्दी मतलब ब्लॉग वगैरह बना लिया करेंगे। ये सारे ट्रक वगैरह खड़े हैं देखो, ये यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे, पास वगैरह बनते हैं फिर आगे जाते हैं, ये देखो यहाँ पे ऐसे जाते हैं, जितने भी बंदे जाएंगे सबके पास बनेंगे फिर ही आगे जा पाते, नहीं तो ये आगे जा नहीं पाते। तो इनसे मैं पूछता हूँ भाई मिनिस्ट्री कहाँ पे है, मुझे पता नहीं है भाई, आगे जाने नहीं देंगे नहीं तो ये, इनसे पूछता हूँ मैं थोड़ा भाई मिनिस्ट्री, भाई मिनिस्ट्री का रोड कौन सा है, मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री किधर है, गाड़ी इधर ही रोकना पड़ेगा, गाड़ी उधर जाने देगा मिनिस्ट्री जाके जाने के लिए ना पास चाहिए होता है, जो सामने आपने देखा कि चेक पोस्ट है, तो मेरे को यहीं पे ही रोक के जाना होगा भाई, तो मैंने साइड में लगा दिए यहीं पे ही। और ये जा रही है फोर्स की घामा, तो चलते हैं। अभी बोल रहे थे वीडियो किसका बना रहा है, कहाँ जा रहा है, तो मैंने बताया अभी मैं मिनिस्ट्री में जा रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा, आगे तो मैं नहीं जा रहा है ना। तो भी देखो भी लोगों ने ना घरों के बाहर मतलब फूल वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पे लगा रखा है भाई, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब उन्हें बना रखे हैं। और कहाँ से रास्ता जाएगा मिनिस्ट्री का देखता हूँ मैं। और इस गाँव में भी काफ़ी मतलब होम स्टे बने हुए हैं, ये देखिए अब ये भी होम स्टे है, ऐसा है कुछ। और मिनिस्ट्री कहाँ से जाएगी,
इससे पूछना होगा, इनसे पूछते हैं। ये मोनेस्ट्री के लिए किधर से जाएगा बोलिए, पीछे पीछे मत आ मेरे। नो नो, लाइव चल रहा है तू, नो नो। बेचारे तो भौंके भी नहीं जाता, छोटी छोटी आवाज में लगा हुआ पाऊ पाऊ करने। तो ये है जी मिनिस्ट्री। जैसे कि मैंने जब भी मैं किसी भी मिनिस्ट्री पे जाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ यहाँ के जो कलर होते हैं ना, वो बहुत लाजवाब होते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि अभी किया हुआ हो, ऐसे होता है। मतलब लगता है कि हर साल आई थिंक करते होंगे, है ना। और बारिश के मौसम में मतलब ऐसे इनके बीच में जाना ना, जंगल के बीच में जाना बहुत ही ख़तरनाक होता है। और ये है मिनिस्ट्री। मैं अपने पैर वगैरह चेक कर लूँ कहीं फिर ये ना हो, फिर यहाँ पे आज जोक वगैरह चढ़ गई हो। अगर आप शुरू से मेरे व्लॉग देख रहे हो तो एक जगह पे मेरे साथ ऐसे हुआ था, मतलब जोक चढ़ गई थी पैरों पे। और मिनिस्ट्री में तो अभी भाई लॉक लगा हुआ है, तो अंदर तो मैं नहीं जा पाऊँगा, सो मैं बाहर बाहर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, अभी आपको देखो लग रहा है ना कि अभी ताज़ा ही कलर किया है। अभी देखो आप कितना अच्छा है ना, और चारों तरफ देखो वेदर कितना सही है, कितना अच्छा वेदर हो रखा है अभी। तो अंदर तो मैं नहीं जा पाऊँगा, चलो जब कोई अक्टूबर नवंबर में आते आई थिंक उस टाइम मिनिस्ट्री खुलती हो, तो उस टाइम आपको खुली हुई मिल जाए, आप देख सको, है ना। तो सामने व्यू देखो भाई, कितना अच्छा व्यू है वो, देखना आप। का दिन है ना, वो ज़्यादा इधर उधर गई, मैं जा नहीं पाया, तो इधर ही रुकने वाला हूँ आज मैं, सिल्क रोड फार्म हाउस पे, ठीक है। क्योंकि भाई पता है क्या, साइड में कहीं भी रोकता हूँ तो वॉशरूम वगैरह का थोड़ा इशू होता है ना। क्योंकि ऊपर मैंने मेरा पूरा प्लान था कि आज ऊपर रुकेंगे, बट वहाँ के क्या बारिश होने लगी तो लैंडस्लाइड हो गया। तो भाई पता क्या, एक थोड़ा बोलते होते ना, एक बहादुरी और बेवकूफ़ी में काफ़ी फ़र्क होता है। सो ठीक है, मुझे डर नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, मैं रुक सकता हूँ। बट भाई बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, जहाँ अपने को लगे कि भाई थोड़ा रिस्क है ना, यहाँ पे मतलब पहाड़ है वो गिर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ सीन हो तो वहाँ पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ऊपर से बारिश हो रही है अभी, क्योंकि ये मतलब थोड़ा कैंपिंग के लिए कोई ज़्यादा मतलब है, थोड़ा रिस्की है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखो भाई कितने अच्छे लगते हैं यार पहाड़, अभी आप सामने देखो पहाड़ों में घर बने हुए हैं ना, इन लोगों के लिए चलो नॉर्मल है, बट जो हम लोग आते हैं जो उधर से आओगे तो आपको काफ़ी मतलब डिफरेंट टाइप का लगेगा। और ये देखो कितना अच्छा मतलब ये फार्म हाउस आप देख सकते हैं कि बना के रखा हुआ है ना, तो बंदे ने पूरा वेकेशन ही यहाँ पे रहना हो तो आराम से वीक 10-15 दिन हम यहाँ पे रुक सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है भैया जाओ जॉब पे जाते होते हैं, और भैया भी आ गए और लाइट्स वगैरह बियर कर दी। और हाँ जी भैया जी, आज फिर बारिश करवा दिया आपने, आज बारिश हो रही है, आज भी बारिश हुआ है ना, लाइटिंग वगैरह देखो ऑन हो चुकी है फार्म हाउस की, बारिश आ रही है भाई, कंटिन्यूसली बारिश चले रहा है, जा रही है आज तो सुबह की। तो ऊपर डिनर हो गया रेडी, वैन में बनाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये मैं साथ में आपको फार्म हाउस अंदर से अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई कितना बढ़िया मतलब लोग होमली फील आपको यहाँ पे आने वाला है। ये देखो भाई, इससे अच्छा और फार्म हाउस यहाँ रहने के लिए इतनी दूर अपने आपको आगे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और ये पहुँच चुके हैं जी ऊपर, बारिश की आवाज़ आपको सुन रही होगी, फिर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से। देखो आप देखो दिख रही होगी पूरी बारिश, देखो आप बिल्कुल से भी। तो भाई पहाड़ों में थोड़ा खतरा ही होता है तो इसलिए मेरे को बस सही जगह मिल गई, मैं यहाँ पे बस बैठ चुका हूँ और अभी यहाँ पे करते हैं डिनर। लग के हो चुका है जी रेडी मेरे लिए, देखो कितना अच्छे से, ये देखो आप लोकल फूड राइस ऊपर देसी घी, पूरा बढ़िया डिनर लगा है। अभी डिनर वगैरह मैं कर लूँ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, ये वाली पहले भी मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था, ये क्या ही बात है भाई, बहुत अच्छी है। ये जी भी आ गए साथ में,
तो हम दोनों बैठ के अभी करते हैं डिनर वगैरह। और देखो कितना सिंपल है ना, बढ़िया फूड है। तो कहते खाना खाते समय ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तो आपकी कल भी होगी है ना आपका जॉब, तो आपने जाना होगा ना। तो कल मैं भी देखूँ भाई बारिश हट जाए। आज भी काम खराब हो गया, कल बारिश वेदर साफ रहे, नहीं तो फिर तो मैं सारा कवर करके आऊँगा साफ रहेगा। तो ये आपको आपको पूरा मैंने ये दिखा दिया सारा फार्म हाउस, नीचे से भी मैंने पूरा दिखा दिया कि होमली फील आने वाला है। तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैं सारे भैया के डाल दूँगा, जैसे कि आपने पहले वाले ब्लॉग भी देखे हैं उसमें भी मैं डाल रहा हूँ, तो इसमें भी मैं डाल दूँगा।